हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स आगे कर रहे हैं कंटिन्यू हम, ठीक है ना। हमने अभी जो पिछली टॉपिक पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है हमने, निरक्षय स्थिति पर और अक्षय स्थिति पर कितना होता है, ठीक है ना, वो सब पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है विद्युत फ्लक्स, ठीक है। विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे तभी हमें गाउस का नियम समझ में आएगा। अब इससे अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा गाउस का नियम, ठीक है। उससे पहले पढ़ने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स अच्छी तरह पता होना चाहिए कि होता क्या है विद्युत फ्लक्स। देखिए फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, क्या जो विद्युत फ्लक्स लेते हैं ना उसका फॉर्मूला होता है ये, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है ना, ये होता है ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हम पहले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, यहां पे उसमें क्या आता है, एक सतह बनाते हैं हम समतल, ठीक है, ये मैंने एक सतह बनाई। अब इसके लंबवत, मतलब इसके लंबवत कितना विद्युत क्षेत्र गुजर सकता है उसको ऐसे हम विद्युत क्षेत्र गुजारेंगे इसमें से इसके लंबवत, ठीक है, ऐसे। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, एक सतह से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और कितना विद्युत क्षेत्र गुजर सकता है उसको परिभाषित करने के लिए विद्युत फ्लक्स को हमें जानना जरूरी है, जिससे हमें यह जान सकते हैं कि एक सतह से कितनी वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स गुजरता है। देखो एक कंडीशन थी ये कंडीशन कैसी है, ये मैंने लिया है बिल्कुल समतल सतह, मतलब ऐसे करके, और इसके लंबवत ऐसे जा रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या लेता हूं, ऐसे मैंने सेकंड कंडीशन लेता हूं, मैं ऐसे ये कोई चीज पड़ी है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं ऐसे, ठीक है, मतलब इससे छू नहीं जा रही है और छू के नहीं जा रही, वो वैसे ही निकलती जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें से बिल्कुल नहीं गुजर रही हैं, दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन है हमारी ऐसी, तीसरी कंडीशन हमने ली, ये हमने पूरा समतल लिया था, अब ऐसे लेंगे हम थोड़ा झुक के, ठीक है, और अब इसमें से देखेंगे कितना गुजर रहा है हमारा, ये हो गई हमारी थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब देखो एक मैं तो मैं और समझाता हूं अच्छे से, देखो ये कोई समतल जगह है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखो ये कोई एक समतल जगह है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भेजते हैं इसके लंबवत, इसमें क्या जा रही है, बिल्कुल लंबवत जा रही है इसके, तो इस जो ये सतह बिल्कुल ऐसे समतल में खड़ी है, मतलब ये पूरी सामने से खड़ी है, तो इसमें ज्यादा विद्युत क्षेत्र गुजरेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर देंगे हम, ये जो होता है ई, क्या होता है इसमें ई, होता है विद्युत क्षेत्र जो कि हमने ये बना रखा है, और एस क्या होता है क्षेत्रफल के लंबवत जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। तो देखो हमें क्या करना होता है, क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमें उसके लंबवत गुजारना पड़ता है, अगर कोई जगह ऐसी है तो भी इसके लंबवत गुजारेंगे, जैसे इसमें है तो इसके ऐसे लंबवत गुजरेगा, और ये सतह ऐसी है थर्ड जो हमारी थोड़ी ऐसे करके, तो इसके भी लंबवत गुजरेगा, ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे निकलेगा, ठीक है, ये इसमें ये कंडीशन है। तो इसमें क्या था हमारा, विद्युत क्षेत्र ऐसा था हमारा, और जो हमारी एस मतलब क्षेत्रफल सदिश जो था वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसको भी हम इसी लिख देंगे एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, फाई बराबर ई देखते हैं, ई कितना है हमारा, ई एस कॉस थीटा। अब देखो ये थीटा क्या है, थीटा है हमारा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के मध्य कोण कितना बन रहा है। अब देखो विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है हमारा, और दूसरा कंडीशन जो हमारे ये क्या बोलते हैं इसे, क्षेत्रफल सदिश वो भी इधर ही है, ठीक है, बना रहा है जीरो। देखो ये भी इधर गुजर रहा है और वो भी इधर ही गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर है, तो एंगल कितना हो गया जीरो। अब जीरो हो जाएगा तो सबसे ज्यादा विद्युत फ्लक्स यहीं से गुजरेगा, क्योंकि कॉस जीरो कितना होता है, वन,
तो ये आ जाएगा cos phi बराबर es, ये आ गया ठीक है ना। अब मैं लेता हूं ये वाली कंडीशन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि कोई भी जगह ऐसी है हमारी, ठीक है, ऐसी रखी है ये जो मैंने बनाया है ये वास्तव में ऐसी दिख रही है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कैसे गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र तो इसके ऐसे गुजरेगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे जा रही है, ऐसे करके, ठीक है। और विद्युत जो क्षेत्रफल सदिश है वो कैसे है, वो ऐसे है। तो कितना बना रहा है विद्युत, वो 90 का एंगल बन जाएगा। यहाँ देखो विद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, देखो हाँ ये मानो ये विद्युत क्षेत्र है जो ब्लैक वाली लाइन है, और ये क्षेत्रफल सदिश है ये वाला, तो इसके लंबवत ये कितना आ गया 90 का एंगल, और ये क्या हमारा विद्युत क्षेत्र। अब देखो समझ में तो आ ही रहा होगा ना, ये हमारी कोई जगह है, समतल जगह है, वो इस तरह से रखी है, विद्युत क्षेत्र इस तरह से गुजर रहा है, और क्षेत्रफल सदिश इस तरह से, तो 90 का एंगल बन रहा है इनके बीच में। तो देखो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, फाई बराबर ई एस कॉस थीटा जब करेंगे तो इसमें 90 बन रहा है, और 90 की वैल्यू कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, फाई बराबर जीरो। इसमें से कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही, क्यों नहीं गुजर रही है, वो ऐसे रखा। अब तुम यहाँ से देख सकते हो कि कोई भी इससे टच नहीं कर रही और ना ही इससे गुजर रही है। अब लेते हैं हम थर्ड कंडीशन। अब ये थर्ड कंडीशन कैसे है, ये थर्ड कंडीशन है, देखो ये क्या पूरी सीधी थी ऐसे, थर्ड में क्या है ऐसे रखी है ऐसे करके, थोड़ी सी झुकी हुई। अब विद्युत क्षेत्र तो ऐसे ही गुजरेगा इसके लंबवत ही, ऐसे करके जैसे ये गुजर रहा है, ठीक है ना। और वो कैसे गुजरेगा, क्या विद्युत क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश गुजरेगा इसके पट लंबवत, ऐसे करके, ऐसे करके, और विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ऐसे, और विद्युत क्षेत्रफल कैसे गुजरेगा, सदिश ऐसे, तो क्षेत्रफल सदिश गुजरेगा हमारा ऐसे। यहाँ क्या बनना है थीटा, एंगल कितना बन गया थीटा। अब लगाएंगे फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो ये आ गई हमारी थीटा। निकालना जो है हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ऐसे मैंने कंडीशन बताएं तो मैं, ये फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड, और ये थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, ठीक। देखिए ये मैंने लिख दी विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं। देखो ये क्या था हमारा एक, मैंने तुम्हें बताया था ऐसे ली थी मैंने कोई कंडीशन, और ऐसे में इसमें से विद्युत क्षेत्र गुजार रहा था, ठीक है, ऐसे कर गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बात एक ही है, ठीक है। किसी सतह, ये एक सतह बनाई मैंने, से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, ऐसे मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारा, को दर्शाने के लिए, मतलब इस चीज को दर्शाने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित किया गया है वो है ये, इसका फॉर्मूला ये, और ये विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आ गया हमारा फाई बराबर ई एस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बिना तो जाना ही नहीं है, बताइए आपको। तो वीडियो को कंटेंट मुझे बताना कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी वीडियो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कट हो गई, इस वजह से सॉरी। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।